सत श्री अकाल जी सारे नूं। अज दी वीडियो दे विच सीनियर असिस्टेंट दी पोस्ट बारे डिस्कस करांगे कि ए पोस्ट हुंदी है, इहदा कम की हुंदा है, सीनियर असिस्टेंट दा किन्ना तुहाडा पे स्केल होएगा ते प्रमोशनस की होणगियां। प्लस जिहड़ी ए ऐड रीसेंटली तुसीं देखिया सी, PSSSB बोर्ड ने सीनियर असिस्टेंट दे लई ऐड जिहड़ी सी आउट कीती सी, तां उस दे विच एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की है, किवें तुहाडा पेपर होएगा, उसनूं भी डिस्कस करांगे जी। तो देखो, सब तो पहले जदों असीं गल कर रहे हां सीनियर असिस्टेंट दी, तां तुसीं एक माइंड दे विच क्लीयर रखियो कि यह जिहड़ी सीनियर असिस्टेंट दी जॉब है, यह फील्ड जॉब नहीं है। यह टोटली क्लैरिकल या आपां जिवें कह दिंदे कि ऑफिशियल ही वर्क होएगा। एग्जाम्पल नाल समझो, फॉर एग्जाम्पल जिवें कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ दे लई एक अलग तो एक एग्जाम भी होंदा कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर वाला। तो जिहड़े कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर होंदे ने उहनां दी जॉब जिहड़ी होंदी उह फील्ड जॉब है, पर जिन्ना भी अंदर क्लैरिकल जॉब होएगी, जिन्ना भी अंदर कोई भी नोटिस जिहड़े होणगे, कोई भी सर्कुलर्स उहनां नूं ड्राफ्ट करना है, तां उह सारा काम जिहड़ा है उह सीनियर असिसटेंट कोल होएगा। तां सीनियर असिसटेंट एज इट इज़ तुहाडे कोल कोई एक फिक्स डिपार्टमेंट नहीं होएगा। हो सकता है कि सीनियर असिसटेंट जिहड़े ने तुसीं तुहानूं अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे विच ट्रांसफर भी किया जाए, पर होएगी थोड़ी जिहड़ी जॉब टोटली ते टोटली ऑफिशियल होएगी, क्लैरिकल ही होएगी, बिल्कुल भी फील्ड जॉब नहीं है। तो पहला आपां गल करदे हां जिहड़ी रीसेंटली PSSSB ने नोटिफिकेशन आउट कीती सी, तां जिस दे विच तुसीं देख सकते हो कि सीनियर असिसटेंट दीआं टोटल 12 पोस्टां आउट कीतीआं सी। उस तों अलावा सीनियर असिसटेंट IT दे विच 2 जॉब्स आउट सीगीआं, ते सीनियर असिसटेंट दे विच जिहड़े अकाउंट्स वास्ते अलग तों सीगीआं उह 2 जॉब्स आउट कीतीआं गईआं सी। ते जे आपां गल करदे हां सिर्फ ते सिर्फ सीनियर असिसटेंट जिहड़ीआं 12 जॉब्स आउट कीतीआं गईआं ने, तां इहनां ने 12 दी 12 दे अलग तों डिपार्टमेंट्स भी दस दित्ते गए ने। फॉर एग्जाम्पल जिवें कि सैर सपाटा मिनिस्ट्री दे विच तुसीं चले गए, टूरिज्म दे विच चले गए, तुसीं जिहड़ा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट दे विच चले गए। क्लीयर? तो इवें अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी उन्होंने दस दिते सी भी जिन्हां दे विच तुसीं की होवोगे, बूस्टेड होवोगे एज अ सीनियर असिसटेंट, ते तुहाडी जॉब जिहड़ी होएगी टोटली ऑफिशियल जॉब होएगी, क्लैरिकल जॉब होएगी, कोई सर्कुलर ने, कोई नोटिस ने, उह सब कुछ जिहड़े ने ड्राफ्ट करना है जिहड़े ने, उह काम किहनां दा हुंदा है? सीनियर असिसटेंट दा। तो जदों आपां गल कर रहे हां सीनियर असिसटेंट दी, तां इस दी प्रमोशन की है? तो देखो जी, जदों सीनियर असिसटेंट दी टोटल 8 साल दी जॉब हो जाती है, तां उस तों बाद तुसीं प्रमोट होवोगे एज अ सुपरिटेंडेंट Grade 2 ऑफिसर। क्लीयर? उस तों बाद जिहड़ा है Grade 1 च जाओगे नैक्सट 8 ईयरस तों बाद, तां इह तां जॉब होगी अपनी। तां आपां इस दी प्रमोशनस भी गल कर चुके हाँ। जे गल करिए पे, ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ IT ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨੋਰਮਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 35,400 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਿੰਪਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਚਲਰਸ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 120 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 120 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ 120 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ IT ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ BTECH ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, BTECH ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਹੈ, BTECH ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਰੀਗੇਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਨੀਮਮ 50% ਇਨ ਈਚ ਕੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ BTECH ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਜੇ BTECH ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ MCA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੇਖਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ BCOM ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। BCOM ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ BCOM ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ਲ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਲੱਸ BCOM ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਉਹੀ 120 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਬ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਹੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ठीक है जी। नेक्स्ट गल करिए एज की, तो एज याद रखियो 18 साल तो लैके 37 साल, जे जनरल की गल करेंगे 18 तो 37 साल के जिहड़ी टोटल कैंडीडेट्स ने उन्हां दी एज होनी चाहिए है। तो इन्होंने डेट कि रखी हुई है, तो 1 जनवरी 2023, तो इन्होंने जिहड़ा आप कह सकते हैं कि पॉइंट तो इन्होंने शुरू किया, 1 जनवरी 2023 तो जे तुहाडी एज 18 तो उपर है तो 37 साल तो थले है तो तुसी अप्लाई कर सकते हो। जे तुहाडे कोल रिजर्वेशन है किसी भी तरह का कोटा है तो एज जिहड़ी है 42 साल, तो जिहड़े सेंटर या फिर स्टेट के कर्मचारी ने उन्होंने जॉब जी है 45 साल, ठीक है जी, उन्होंने जी है होर रिलैक्सेशन होगी 45 साल तक की एज तक वो की कर सकते हैं एग्जाम दे सकते हैं। हूँ जो गल कर रहे हैं पेपर होएगा किदा का, तो MCQs बेस्ड होएगा, प्लस जे गल करिए अज तक की सिलेबस आया, तो हूँ एक चीज़ में समझ लियो कि जोड़ा सीनियर असिस्टेंट का इस तो पहला एग्जाम से वो PPSC ने कंडक्ट किया, पर जोड़ा इस बार कि सीनियर असिस्टेंट का पेपर हो रहा है वो SSSB बोर्ड कंडक्ट करेगा, तो SSSB बोर्ड ने अजे तक कोई भी आप कह सकते कि फाइनल सिलेबस जोड़ा है आउट इस दे रिलेटिड नहीं किया। यदि एक्सटेंड की गई है लास्ट डेट, बिल्कुल एक्सटेंड की गई है, हूँ तुम 5 अक्टूबर तक जोड़ा है सीनियर असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हो, ठीक है जी। पर ठीक तो चीज़ का ध्यान रखियो कि सिलेबस अजे PSSB बोर्ड ने आउट नहीं किया, पर थोड़ा सारे भी पता है कि PSSB बोर्ड ने जिन्ना भी कोई भी कोई पेपर लेना है तो कुछ चीज़ा तो सारे कॉमन ही होनगियाँ, पंजाब GK, हिस्टरी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, तो ये तो होंगे ही होंगे, बस उन्होंने वेटेज के उपर है, सी सैट होएगी, मैथ्स होएगा, रीजनिंग होएगी, तो इन्हों पहला ही शुरू कर दो, रादर दैन कि आप वेट करिए कि सिलेबस आउट होए तो उस तो बाद असी तैयारी करनी है, ठीक है जी। तो याद रखियो सब तो पहला तो कि क्योंकि आप जो फॉर्म फिल करने हैं तो आपको जॉब के बारे पता भी तो होना चाहिए कि जॉब है किमें दी, की काम करना पेगा, की काम होणगे, की काम इहदे विच नहीं होणगे। तो ये जी अपना सीनियर असिस्टेंट दी जॉब प्रोफाइल, तो जुड़े रहो CBL दे नाल। नैक्सट होर भी जिन्हें भी पंजाब दियां लेटेस्ट जॉब्स निकल रही ने वो सारिया दी जॉब प्रोफाइल दी वीडियोस जल्दी ही तुहानू अपडेट भी करांगे। थैंक यू वेरी मच।